रेनबो होता है रेनबो में अपने सेवन कलर होते हैं और वाइट लाइट जो वाइट लाइट को अपन प्रिज्म से पास करते हैं वाइट लाइट है अगर इसको हम प्रिज्म से पास कर रहे हैं तो ये कितने सेवन कलर्स में क्या हो जाती है स्केटर हो जाती है ये अपनी वाइट लाइट है इसको प्रिजम से पास किया तो एक सेवन कलर्स में क्या हो जाती है स्केटर हो जाती है इन सेवन कलर किस प्रकार होते हैं वायलेट होता है इंडिगो होता है ब्लू होता है ग्रीन होता है येलो होता है ऑरेंज होता है एंड रेड होता है ओके okay? तो ये तो सात कलर आपको पता है एंड अब आपको पता होगा मीन जो ब्लू वायलेट कलर होता है वायलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है क्यों क्योंकि रिलेस लॉ पढ़ा होगा आपने रिलेस लॉ होता है एक रिलेस लॉ जो बोलता है कि मीस जो स्कैटरिंग होती है स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लेमडा टू दी पावर फूड मींस जिसकी वेवलेंथ जितनी कम रहेगी उसकी इस, इस स्केटरिंग क्या रहेगी सबसे ज़्यादा रहेगी मीन्स अगर वायल लाइट की स्केटरिंग सबसे ज़्यादा रहती है लाइक इन सनसेट इन द टाइम ऑफ इवनिंग और सनसेट जो स्काई दिखता है वो कैसा होता है ब्लू होता है क्योंकि जो वायलेट है और ब्लू ब्लू लाइट है इंडिगो इस अप्रोक्स ब्लू लाइट हो जाती है तो उनकी वेवलेंथ क्या रहती है कम रहती है इसलिए ये आसानी से स्कैटर कर जाते हैं ओके okay? तो अब यहाँ से ये क्या देख सकते हैं हम कि ये जो रहते हैं ये क्या होते हैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज होते हैं मीन्स वायलेट की अपनी सबसे कम रहती है उसके बाद इंडिगो की उससे ज्यादा रहती है एंड रेड की सबसे ज्यादा रहती है ओके तो अब अरेंज कर लेते हैं इन्हें वायलेट की अपनी क्या हो गई सबसे कम हो गई उसके बाद क्या आ जाएगा ब्लू एंड देन उसके बाद एलो एंड देन रेड तो ये अपना क्या हो जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंस हो जाता है क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर